नमः विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवम् गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद भक्तिपाद भक्ति योग महाराज जय हो। दंडवत प्रणाम वैष्णव वृंद जय हो। आइए आज की सभा का प्रारंभ करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देना चाहते हैं जो जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है। समाज में हो रहे बढ़ रहे दुराचार और पापों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे आगे आने वाला समय अति दर्द भरा होगा, क्योंकि जब बीज ही बबूल के बोए जाएंगे तब कहाँ से आम आएंगे। गम के बीज बोएंगे तो गम की ही फसल काटेंगे। बहुत सीधी और साफ बात है। भगवान से विमुख जा रहा है समाज संसार, शास्त्रों की बातों का उल्लंघन करता है, मानता नहीं सत्पुरुषों के वाक्यों को, उनकी वाणी को हृदयंगम नहीं करता। भगवान की मुखारविंद से निकली हुई भागवत गीता को भी उठाकर नहीं देखता, तो फिर ऐसी दशा में आदमी का क्या होगा। संतों में श्रद्धा उठ गई है, शास्त्रों से श्रद्धा उठ गई है, ऊब गए हैं लोग, और भगवान की पहचान नहीं रही, फिर कैसे कल्याण हो। मैं और मेरा या फिर एक काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच ईर्ष्या जलन इन बीमारियों से घिरा हुआ आदमी या समाज या संसार कैसे भला सुखी हो पाएगा। सुख की परिभाषा है कि जो व्यक्ति भगवान के समीप है वो सुखी है और उसी को सुख कहा है। बाकी झूठी बातों को भी लोग सुख मान लेते हैं। किसी ने अच्छा मकान बना लिया तो सुख मान लिया, किसी ने धन इकट्ठा कर लिया तो सुख मान लिया, किसी ने शरीर की ताकत बढ़ा ली तो सुख मान लिया, किसी ने ज्ञान एकत्रित कर लिया अपनी बक्से में तो सुख मान लिया। नहीं, ये सुख की परिभाषा नहीं है। सुख की परिभाषा तो उस परमात्मा की अनुभूति है, उसका अनुभव है। जब तक उसका अनुभव नहीं हो तब तक प्राणी सुख का अनुभव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि
आनंद का कंद भगवान श्याम सुंदर हैं। कंद यानी जड़, मूल स्रोत, आनंद के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं। और मूल स्रोत को जाना नहीं, पहचाना नहीं, पीठ मोड़ ली, फिर अपने आप को भी भूल गया कि ये दोनों ही ऑन ऑफ हैं। यदि मेन जनरेटर को भूल जाएगा प्राणी, तो फिर छोटे मोटे स्विच कैसे चल पाएंगे, कैसे फंक्शन करेंगे, प्रकाशवान होंगे, अंधकार में पड़े रहेंगे, पुराने पड़ जाएंगे, सड़गड़ जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे कचरे। नहीं, हमें सुखी बनने के लिए भगवान को स्वीकार करना चाहिए हमारे परम पिता की तरह। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मने षष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। हे अर्जुन, ये अनंत आकाश में फैले हुए जितने भी जीवात्माएं हैं, ये सब मेरे अंश हैं। अहम बीज पिता सर्वम, मैं सभी का बीज पिता हूँ। भगवान ने ये अलग अलग जगह पर भागवत गीता में कहा है, लेकिन भागवत गीता को हम खोल कर नहीं देखना चाहते। और कोई भागवत गीता की कथा करे तो उसमें हमको रुचि पैदा नहीं होती, तो फिर ज्ञान कहाँ से मिले। साधु, शास्त्र और गुरु तीनों से दूर हैं, तो फिर ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो। तीन ही सोर्स हैं ज्ञान प्राप्त करने के, या तो कोई साधु जो साधना कर रहा है उस परमेश्वर के धाम की ओर जाने की, उसके सत्संग, उसके संपर्क में आइए, उनके साथ सत्संग कीजिए, उनसे जानिए। अगर ये असंभव है तो भागवत गीता है, आपके घर में कोई शास्त्र है, भागवत है, रामायण है, वेद है, उपनिषद है, इन पे इनके इनको प्रणाम कीजिए, इन्हें खोल के देखिए, इन्हें पढ़िए, समझिए और उसके अनुसार अपना जीवन बनाइए, ढालिए, तो आप सुखी हो जाएंगे। गुरु महाराज की शरण लेना बहुत जरूरी है। संसार में हम अनेक प्रकार के गुरु बनाते हैं, पढ़ाई करने लगे, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कई कई गुरु हमारे बन गए। साइकिल चलाना सीखा, गुरु बन गया, कोई नहीं सिखाया, तैरना सीखा, गुरु बन गया, कार चलाना सीखा, गुरु बनाया, कोई दफ्तर में, ऑफिस में काम किया तो वहां भी गुरु बनाया किसी। लेकिन ये पेट या शरीर की सुरक्षा के लिए या शरीरों को पालने के लिए या मकान को सुदृढ़ करने के लिए तो हमने अनेकों गुरु बनाए अपने जीवन में, लेकिन हम ये भूल गए कि हम केवल ये मकान या शरीर या शरीरों के पिता या पति ही नहीं है या पत्नी ही नहीं है, हम ये शरीरों में बैठी हुई आत्माएं हैं। हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। ये ज्ञान जब तक उदय नहीं होगा तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आप इनफैक्ट आत्मा है, शरीर नहीं है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके परे भी कारण शरीर है, ग्रास बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। इन तीनों शरीरों के बिहाइंड, इनसे परे आप एक सच्चिदानंद आत्मा है जो अजर, अमर, अविनाशी है। ये शरीर तो गिरते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, तीनों ही प्रकार के,
कारण शरीर अपनी इच्छाओं से बनता है, सूक्ष्म शरीर उससे नीचे श्रेणी में उतरता है, नीचे स्टेप, ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर बिल्कुल ही प्रत्यक्ष में प्रकट हो जाता है, यानी संसार में प्रकट हो जाता है। लेकिन हमें तीनों ही शरीर नहीं है, ना ही प्राण है, ना ही मन है, बुद्धि विचार नहीं, अहंकार नहीं, हम आत्मा है, शुद्ध बुद्ध आत्मा। और हम भगवान के अंश, जैसे ही भगवान का भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ममे वांश जीव भूत सनातन, मन है सष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सके। हे अर्जुन, ये अनंत आकाश में फैली हुई अनंत आत्माएं, ये सब मेरे अंश हैं। ये मन के कारण ही, मने सष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये मन और इंद्रियों को, इंद्रियों के समूह को या समूह की ओर आकर्षित होकर के ये आत्मा संसार में भोग करने के लिए उतर जाती है अपनी इच्छाओं को लेकर के, तभी जीव आत्मा जैसी हो जाती है, फिर वो सच्चिदानंद स्वरूप को भूल जाती है, अपनी पवित्रता को भूल जाती है, अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को भूल चुकी होती है। यूं कहिए कि उस प्योर कॉन्शियसनेस के ऊपर, उस पवित्र भावना के ऊपर संसार के तरह तरह के रंग चढ़ा लेती है, कभी काला रंग, कभी लाल रंग, कभी नीला रंग, ऐसे रंग से जन्म दर जन्म ये रंगों के घेरे में आ जाती है, अपनी पवित्रता को खो बैठती है। जितनी पवित्रता खो देती है उतनी गहन दुखों में, कलेशों में फंस जाती है, पीड़ाएं होती, सहन करती है, सहन करने की शक्ति भगवान ने दी, लेकिन पीड़ा तो आखिर पीड़ा है नहीं। जितनी पवित्रता होगी उतने ही आनंद की और आनंद की प्राप्ति होगी, सच्चे आनंद की, सच्चे सुख की। आज के सत्संग को यही विराम देते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, विदा दीजिए, जय गोपाल।